हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 15 टू 17 क्वेश्चन नंबर 15 स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर बुलबुल रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर एंड बर्थ 45 मीटर हु कवर्स लेस डिस्टेंस स्वीटी स्क्वायर पार्क के चारों तरफ दौड़ती है जिसकी साइड 75 मीटर है बुलबुल रेक्टेंगल पार्क के चारों तरफ दौड़ती है जिसकी लेंथ 60 मीटर और गिवन है 45 मीटर। इसमें फाइंड करना है कि स्वीटी ने कम डिस्टेंस कवर की है या फिर बुलबुल बुल ने स्वीटी पार्क के चारों तरफ दौड़ती है इसलिए इसका परिमीटर निकालेंगे परिमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज इक्वल फोर इंटू लेंथ साइड ये स्क्वायर की साइड है स्क्वायर की साइड की मीटर वैल्यू टू कैरी फोर सेवन जॉ ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट ऑन टू थर्टी थ्री हंड्रेड मीटर इसी टाइप से परिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का निकालेंगे परिमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क फॉर्मूला लिख देंगे टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ वैल्यू पुट कर देंगे ब्रैकेट लगाएंगे प्लस फाइव सिक्स फोर टेन वन हंड्रेड फाइव वन हंड्रेड फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे कम डिस्टेंस बुल, बुल कर रही है क्योंकि टू हंड्रेड टेन मीटर है जबकि स्वीटी का 300 मीटर है आंसर लिख देंगे बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज दीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स फिगर्स गिवन है इनके परिमीटर निकालने हैं तो सबसे पहले देखते हैं ए पार्ट ए पार्ट की जो शेप है वो स्क्वायर फॉर्म में बनी हुई है इसका परिमीटर निकालेंगे परिमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल है स्क्वायर सेप में बनी हुई है इसलिए परिमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल फोर इंटू लेंथ ऑफ साइड फोर इंटू साइड की वैल्यू है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर लेंगे ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड हंड्रेड सेंटीमीटर आप रेक्टेंगल का परिमीटर निकालेंगे बी पार्ट परीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट एल प्लस बी टू ब्रैकेट लेंथ किविन है फोर्टी सेंटीमीटर और ब्रथ कि है टेन सेंटीमीटर तो फोर्टी प्लस टेन टू इंटू फोर्टी प्लस टेन फिफ्टी हो जाएगा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी टू जन्ड्रेड हंड्रेड सेंटीमीटर सी फिगर रेक्टेंगल शेप में है इसका परिमीटर निकालेंगे परिमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट एल प्लस बी लेंथ 30 सेंटीमीटर है ब्रथ 20 सेंटीमीटर है 30 प्लस ट्वेंटी प्लस कर लेंगे टू इंटू थर्टी प्लस ट्वेंटी फिफ्टी फिफ्टी का मल्टीप्लाई टू में करेंगे फिफ्टी टू जै हंड्रेड हंड्रेड सेंटीमीटर डी पार्ट ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल में सभी साइड की मेजरमेंट को प्लस करेंगे परीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल मेजरमेंट की भी नहीं इनको प्लस कर देंगे थर्टी प्लस फोर्टी प्लस थर्टी एड करेंगे थर्टी प्लस फोर्टी सेवेंटी सेवेंटी प्लस थर्टी हंड्रेड हंड्रेड सेंटीमीटर सेप अलग अलग दी हुई है और यहां पर देख रहे हैं कि सी और डी में भी परी मीटर हंड्रेड सेंटीमीटर आया है ए एंड बी में भी परी मीटर हंड्रेड सेंटीमीटर आया है फोर फिगर के बिना है और फोर फिगर में हंड्रेड सेंटीमीटर परी आया है हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे ऑल द फिगर्स हैव सेम परीमीटर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन अवनीत बाइस नाइन स्क्वायर पेविंग स्लेब्स इच विथ ए साइड ऑफ हाफ मीटर स्लेब जो है स्क्वायर फॉर्म में है और उनकी जो क्वांटिटी है वो नाइन है फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ए पार्ट वट इज द परिमीटर ऑफ हिज अरेन्जमेंट तो फर्स्ट का पार्ट ये है नाइन स्लैब को इस टाइप से रखा गया है फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग स्क्वायर की शेप में रखा गया है अब इसका परिमीटर फाइन करना है द परिमीटर ऑफ फिगर टेन पॉइंट सेवन का फर्स्ट पार्ट इस फिगर के अकॉर्डिंग परिमीटर क्या होगा आप काउंट करते हैं आउटर बाउंड्री को काउंट करेंगे कितने ये स्क्वायर बने हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ये ट्वेल्व स्क्वायर है और एक स्क्वायर की जो डिस्टेंस है की साइड है वो वन बाई टू मीटर है तो हाफ इंटू ट्वेल्व है ये इंटू ट्वेल्व कर देंगे ट्वेल्व वन जै ट्वेल्व ट्वेल्व अपॉन टू डिवाइड कर लेंगे ट्वेल्व को टू से सिक्स मीटर परिमीटर आ गया फर्स्ट फिगर का बी पार्ट अब सेकेंड फिगर का परिमीटर निकालेंगे द परिमीटर ऑफ फिगर 10.7 का सेकेंड पार्ट सेकेंड फिगर में देखेंगे इसका परिमीटर निकालेंगे आउटर में ये स्क्वायर काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इलेवन टीन ट्वेंटी ये आउटर साइड में ट्वेंटी स्क्वायर है ट्वेंटी ट्वेंटी अपॉन टू इज इक्वल डिवाइड कर लेंगे टेन मीटर ए का आंसर सिक्स मीटर आया है और बी का आंसर टेन मीटर है सी पार्ट विच हैज ग्रेटर परिमीटर फर्स्ट फिगर का परिमीटर सिक्स मीटर था और सेकेंड फिगर का परिमीटर टेन मीटर था इसमें ग्रेटर परिमीटर है सेकेंड फिगर का ये क्रॉस बना हुआ है सेकेंड फिगर का परिमीटर ज्यादा है तो आंसर लिख देंगे सी का क्रॉस हैज ग्रेटर ग्रेटर परिमीटर डी पार्ट अवनीत वियर इज ए वे ऑफ गेटिंग एंड इवन ग्रेटर परिमीटर अवनीत ने एक स्क्वायर फॉर्म में स्लैब्स रखी थी तो उसका जो परिमीटर आया था वो सिक्स मीटर था अब ये देखना है कि अवनीत किस वे में रखे जिससे की वो ग्रेटर परिमीटर आ जाए तो नाइन स्लेब्स है अगर नाइन स्लेब्स को हम बिना तोड़े एक स्टेट लाइन में रखते हैं, तो सबसे ज्यादा उसका परिमीटर होता है देखते हैं सबसे अधिक परिमीटर जब होता है जब उनको हम एक स्टेट लाइन में रखते हैं, तो नाइन स्लेब्स को हमने एक स्टेट लाइन में रख दिया है अब देखते हैं इसका परिमीटर कितना आएगा काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 आया है तो परीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल वन अपॉइंट टू इंटू ट्वेंटी तो ट्वेंटी अपॉइंट टू डिवाइड कर लेंगे टेन मीटर तो मैक्सिमम जो परिमीटर आएगा वो टेन मीटर का होगा तो ग्रेटर परिमीटर होगा इज इक्वल टेन मीटर या तो हम इस टाइप से रख सकते हैं चाहे क्रॉस में रख सकते हैं या टी बना के रख सकते हैं मैक्सिमम अगर टी फॉर्म में भी रखते हैं तब भी इसका परिमीटर 10 मीटर आएगा तो मैक्सिमम पेरीमीटर है 10 मीटर कैन यू फाइंड ए वे ऑफ डूइंग दिस तो हम ये रेक्टेंगल में एक स्ट्रेट लाइन में रखते हैं तो इसका परिमीटर भी 10 सेंटीमीटर होगा अगर हम टी सेप भी बनाएंगे तब भी परिमीटर 10 सेंटीमीटर आएगा टेन सेंटीमीटर से अधिक इसका परिमीटर नहीं आएगा मैक्सिमम परिमीटर जो है वो टेन सेंटीमीटर है आगे के एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे